बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की सबसे सफल फिल्मों की सीरीज में दबंग का तीसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर छाने को बिल्कुल तैयार है। जी हां, आपको बता दें कि दबंग का ट्रेलर तो बहुत दिन पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसे बहुत दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। साथ ही साथ अब दबंग 3 का कई सारे गाने रिलीज किए जा रहे हैं, जैसे कि मुन्ना बदनाम हुआ गाना रिलीज करते ही यह पूरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करने लगा। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार यानी कि पवन सिंह ने भी एक ताजा बयान शेयर किया है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से बॉलीवुड में दबंग सलमान खान का नाम लिया जाता है, उसी तरीके से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी पावर स्टार पवन सिंह को पूरी तरीके से दबंग माना जाता है। और हमेशा पवन सिंह बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्मों को प्रमोट करते रहते हैं और उनकी फिल्मों को देखते रहते हैं। और एक इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह से जब पूछा गया कि क्या आप सलमान खान की दबंग 3 देखना पसंद करेंगे, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि वो क्यों नहीं, क्योंकि सलमान खान की फिल्म देखने लायक होती है। जी हां, आपको बता दें कि इस तरीके का पवन सिंह का बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और पवन सिंह के फैन क्लब से भी दबंग को भारी मात्रा में पोस्टर शेयर किया जा रहा है, यानी कि पवन सिंह को भी दबंग 3 का इंतजार है। अब देखना यह होगा कि क्या दबंग 3 पूरे इंडिया के साथ साथ भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सफलता का नया अध्याय रचेगा, या तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन इन दिनों दबंग 3 का क्रेज सोशल मीडिया के साथ साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि दबंग कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटिव ही टॉपिक पर बनाई गया है और यह पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया पर ही आधारित फिल्म है।